साइरस मिस्त्री की मौत के बाद माना जाता है कि अगर रियर सीट बेल्ट कंपलसरी होता तो उनकी जान बच जाती। इसे ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट अब फोर व्हीलर व्हीकल्स में बैक सीट बेल्ट को भी कंपलसरी कर रही है। इसके साथ ही आपको अपनी गाड़ी में ओवर स्पीड अलार्म भी लगवाना जरूरी होने वाला है। इसके अलावा कार्स में होने वाले एयर बैग्स के यूसेज पर भी फोकस किया जा रहा है। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194B के अनुसार सीट बेल्ट न लगाने पर ₹1000 का चलान कटेगा। इट डजंट मैटर आप कार चला रहे हैं या फिर पीछे बैठे हुए हैं। अब इसमें एक कंफ्यूजन ये है कि अगर बच्चे पीछे बैठे हैं सीट बेल्ट ना लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर प्राइवेट व्हीकल्स में सिक्योरिटी पर बच्चों को भी कोई छूट नहीं है। अगर बच्चा छोटा है तो उसे आपको गोद में बिठाकर सीट बेल्ट लगाना होगा। फोर सीटर कार्स में एक्स्ट्रा पैसेंजर बिठाने यानी कि ओवरलोड का भी आपका चलान कट सकता है। एक और बात, कार एक्सीडेंट में जब आप बीमा क्लेम करने के लिए जाते हैं तो अगर सीट बेल्ट न लगाने की वजह से डेथ होती है, बीमा कंपनी आपके मुआवजे में कटौती कर सकती है। साल 2021 में रोड एक्सीडेंट्स के चलते भारत में 155,000 से ज्यादा लोगों की जाने गई। सेव लाइफ फाउंडेशन के 2019 में हुए सर्वे का कहना है कि भारत में सिर्फ 7% लोग ही ऐसे हैं जो कि कार में पीछे बैठते समय सीट बेल्ट लगाते हैं और 26% लोग कभी कभी सीट बेल्ट लगाने की कैटेगरी में आते हैं। सो सीट बेल्ट लगाइए और अपनी जिंदगी बचाइए। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव स्टोरीज सब्सक्राइब टू एक्सप्लेन्ड इन हिंदी चैनल। हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें।